वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29, जिसका लिंक हमने आपको पहले ही एक साइंस की वर्कशीट में दे दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने इस वर्कशीट को कर लिया होगा, जो मैथ्स की वर्कशीट है, जिसके अंदर अभी हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट। तो अगर अभी भी आपने ये प्रैक्टिस टेस्ट खुद नहीं करा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इस वर्कशीट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले इस प्रैक्टिस टेस्ट को खुद करें और उसके बाद अपने आंसर यहाँ पे इवेल्युएट करें, बिकॉज ये आपका टेस्ट है। यहाँ पर आप सिर्फ वर्कशीट करने के लिए मत आइए, प्लीज इसको सीखने की भी कोशिश करें और अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज कर लें और आगे भी फॉरवर्ड करें। 9 सितंबर की ये वर्कशीट है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी तीन वर्टेक्स हैं, किसकी? पैरेललोग्राम की एबीसीडी, और हमें क्या निकालनी है? फोर्थ वर्टेक्स। तो हमें सर यहाँ से तुक्का नहीं मारना, इसकी जो है प्रॉपर एक वर्किंग है। आइए चलते हैं उस वर्किंग को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, मैंने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना दिया है। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ए फिर बी, कुछ बच्चे यहाँ पे सी लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, कर दिया हो तो वो गलत हो गया हो। ए बी सी और फिर ये डी। तो इसी तरीके से एक सर्कुलर वे में ही आप ए बी सी डी लिखते हैं। मैंने ए और बी और सी की वैल्यू लिख दी, डी की वैल्यू क्या हो गई? एक्स कॉमा वाई मैंने लिख दी, जो हमें ढूंढनी है। तो इसके बाद हमें एक चीज पता था कि जो डायगनल होती है, ये बी डी और ए सी, इसे डायगनल बोलते हैं। ये क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। तो मैं ए सी की मदद से पहले पॉइंट ओ को निकालूंगा। पॉइंट ओ को मैंने यहाँ पे पी और क्यू दे दिया, तो पहले पी की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1/2 आ गई। इसी तरीके से मैंने क्यू की वैल्यू निकाली है, ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज करा है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी निकाल ली, क्यू की वैल्यू आ गई मेरी 1। तो मुझे सेंटर मिल गया। अब मैं सेम सेक्शन फॉर्मूला की मदद से अब मैं बी डी की वैल्यू यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर निकाल लूंगा। तो x और y की वैल्यू आ रही है -2 और 1, तो आंसर हो गया -2, 1, ऑप्शन हो गया डी। आप अपने आप का आंसर जो है टिक मार लें, और अगर ठीक है तो, अगर गलत करा है तो वहां पर जहां पे गलती है वहां पर सर्कल करें और अपने आंसर को चेक करें। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है द पॉइंट दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। बेसिकली कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो हमें बताना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी साथ में पढ़ देता हूँ। इसके अंदर उन्होंने बोला डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस निकालना होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहीं कहीं करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला था कोलिनियर, चिंता मत करें, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अभी अभी दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या? नहीं, ये तो नीचे है पॉइंट। क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है? यस, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका ठीक है। बाकी 2 भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए उस टाइप की लाइन, उस टाइप के पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो आइए चलते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ताकि मेरे को बार बार आना जाना ना पड़े और एडिटिंग, मतलब आपको जो है इसमें दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द पॉइंट वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जैसे डिवाइड कर दे तो मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे डब्ल्यू और जेड का, और जो रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि वाई जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम सॉल्व करके देखेंगे, फिर ही हम उसको बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 2 तरीके से हो सकता है। एक बहुत ही लंबा तरीका है, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगर 4 मार्कर क्वेश्चन अगर आता हो तो कैसे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फिगर दी थी तो मैं फिगर की मदद से ही इसको कर दिया, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप था। तो मैं अभी दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन भी, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप चाहते हैं कि इसको मैं 4 मार्कर की तरीके से करके दिखाऊं, तो 4 मार्कर में वर्किंग थोड़ी ज्यादा होती है। और यहाँ पे लास्ट में बोला है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है एक्स और वाई के अंदर एक इक्वेशन आएगी, रिलेशनशिप। तो आइए चलते हैं, इन सब के आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 2 है, उन्होंने 3 पॉइंट दिए थे, पी क्यू टी मैंने यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद उसने बोला था ट्राइंगल बताओ। आप ट्राइंगल कैसे बताएंगे जब तक मुझे साइड नहीं बताओगी? तो मैंने पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, तो मेरे पास √97 आया। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, इसको ऐसे ही रख दिया मैंने।
उसी तरीके से क्यू टी का डिस्टेंस निकाला तो आंसर आया √50। √50 को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सकता था तो √50 को मैंने सॉल्व करके लिख दिया 5√2। कैसे करा है ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट की नहीं आती हो तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लें। उसी तरीके से मैंने टीपी की वैल्यू निकाली। अब तीनों की तीनों वैल्यू क्या थी, अलग थी, आर अनइक्वल, तो इस वजह से क्या बन गया, स्केलिन ट्राइंगल। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। आइए चलते हैं आंसर नंबर 3 की तरफ। आंसर नंबर 3 में उन्होंने डिस्टेंस मांगा था ढूंढने के लिए, बोला था हमें। मैंने सिंपल तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। प्लीज फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहे हैं। और इसके अंदर ये वाला पॉइंट मैं पहला मान रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं दूसरा मान रहा हूँ। तो x2 क्या हो गया, -a -a, तो यहाँ लिख दिया a -2a। सॉल्व करा, -2a² + -a² तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, a² a² तो इस तरीके से +4a² उसी तरीके से यहाँ पे a² और यहाँ पर आ गया 5a² तो a² और रूट कट गया तो a बाहर आ गया और √5 अंदर रह गया। तो आंसर हो गया a√5। यूनिट्स यूनिट जरूर लगाएं क्योंकि आंसर जो है सेंटीमीटर किलोमीटर उसमें होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला था वो वाई पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो उन्होंने रेशियो दे रखा था तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। तो ये जो पॉइंट बना वो -1,3 बना। तो -1,3 कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 2। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दो से दो तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे फिगर दे रखी थी, ए और सी की वैल्यू दे दी, दी नहीं थी वैसे, मैंने निकाल ली। सी जो पॉइंट था वो एक्स एक्सिस पे था तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,0, और ए जो पॉइंट था वो एक्स वाई एक्सिस पे था वो हो गया 0,4। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां से, अगर मैं इस पॉइंट को फोकस में लाऊं तो ये इससे 4 दूर है, ये इससे 4 दूर है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो डी का पॉइंट हो गया 0,0 और बी पॉइंट हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या हो गया, 4 दूर हो जाएगा। तो बी पॉइंट जो हो गया वो 4,4 हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया सिर्फ डायग्राम से देखकर। दूसरा तरीका होता है मैथमेटिकल, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसने बोला था इक्विडिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस इक्वल है। तो पी ए का डिस्टेंस, पी बी का डिस्टेंस इक्वल, तो मैंने यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दिया ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला में जो स्क्वेयर रूट होता है ना उसको हटा दिया जाए। तो स्क्वायर करके इसका क्या कर दिया, रूट हटा दिया। मैंने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, यहाँ से ये पी ए की वैल्यू है और ये पी बी की वैल्यू, थोड़ा सा नीचे लिखा है क्योंकि स्पेस कम थी। अब मैंने यहाँ पे दो आइडेंटिटीज लगाई है, a+b² a-b² ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, दोनों के दोनों क्या थे, माइनस में थे। माइनस में दोनों होते हैं तो हम प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगाते हैं। देखें कैसे लगाई है, a² + b² + 2ab दिखाई दी आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने लगा दी और बाकी जगहों पे भी आइडेंटिटी लगा दी और ब्रैकेट मैंने कर दिया ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये मेरे पास एक लंबी सी इक्वेशन आ गई यहाँ पर और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 16 से 16 कट गया, x² से x² कट गया, y² से y² कट गया। अब जो बच गया वो मैंने लिख दिया और सब कुछ ले आया मैं लेफ्ट साइड पे, कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पर आ गई 4x + 16x + 12 = 0, मेरे पास एक इक्वेशन। और यहाँ पे सारे के सारे क्या आ रहे थे, 4 के टेबल में आ रहे थे, तो मैंने 4 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड। तो 0 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहता है, इसलिए ये हम कर सकते हैं। LHS और RHS में दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, x + 4y + 3 = 0। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और आगे फॉरवर्ड करें, और अपने सजेशन, हमें फीडबैक
अपना प्यार हमें देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।